हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही प्यारी टिप लेके आया हूँ। अगर आप इस टिप पे काम करेंगे तो आपकी जो सिलाई होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो वो किस तरीके की टिप है दोस्तों, कहने में तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। यानी कि आपको हमेशा इस चीज़ से फ़ायदा होगा ही होगा। तो देखिए, इसमें क्या करना होगा आपको, वीडियो छोटी सी है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि आप इस तरीके से नापते हो जब कोई सेंटर कट करके कॉलर नेक बनाते हो। तो ये तो हमने आला कटिंग कर रखा है, सीधा मैं आपको इस कट को पलटने का बहुत ही प्यारा तरीका बताने वाला हूँ। मान लो आपका गला डीप है 8 इंच, तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके 1.5 पे निशान लगा लेना, जो मैंने ब्लू कलर के निशान से लगा लिया। और यहाँ पर हम एक कर लेंगे हल्का सा कट। अब आपको क्या करना है, अगर कॉटन का पीस है आपका, ठीक है, तो ये हमारा कपड़ा है, इसमें हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अंदाजे से पट्टी बाद में कट जाएगी और किनारे को हटा देंगे, किनारे में खिंचाव होता है, किनारे को हटा दें। अब दोस्तों, इस पट्टी को आप ले जाएं, ठीक है, और इसी की मदद से हम आपको बताएंगे, तो आप सेंटर में एक निशान भी लगा सकते हो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि सेंटर को अच्छी तरीके से किस तरीके से आप पलट सकते हो, और इसके लिए अलग कलर का धागा होगा जिससे कि आप क्लियर देख पाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं मशीन पर, आपको ये बना के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा निशान लगाया हुआ है, तो आप इसको या तो सेंटर में कट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ सेंटर में कट होता है तब जब आप एक्सपर्ट हों, वरना आप सेंटर में कट ना करें। सिर्फ अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी पट्टी का जो सेंटर है, मतलब कमीज़ का सेंटर पट्टी के सेंटर से मिल के आ रहा है। और अब यहाँ पर दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे, तो आपका ये जो कट है आपको बारीक से दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों कई लोग बिल्कुल बराबर से पलट देते हैं, आपको इतना इतनी गैपिंग रखनी है, टोटली गैपिंग 1/2 इंच की हो जाएगी। और हम यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई, एक पैर के मार्जिन से हम सिलाई लगाते हुए दोस्तों बारीक सिलाई कर लेंगे। यहाँ से देखिए, इस जगह से बारीक सिलाई होती है, छोटी बड़ी हम छोटी सिलाई करके हम सिलाई लगाते हुए आएंगे नीचे। और जब हम आएंगे कट के पास, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा आपको इस तरीके से नीचे लेके आना है, और अभी दिखेगा नहीं, जब मैं यहाँ पर पलट लूँगा तो मैं आपको क्लियर दिखा पाऊँगा कि किस तरीके से हमें नोक बनानी है। तो हम इसको ऐसे करके नोक बना लेंगे एक अच्छी सी, और नोक बनाने के बाद आपकी कभी भी ये नोक गड़बड़ नहीं होगी, और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये सब आपको बताए जाएंगे। तो पहले सिलाई लगा लेते हैं ऊपर तक। तो ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे कि हमारी ये सिलाई बिल्कुल नीचे तक जा रही है, और हमने जो कट बनाया देखिए किस तरीके से बनाया है, यानी कि इतनी गैपिंग में। अब आप कैंची से जब कट करेंगे तो इतना कपड़ा आपका बचता है कि कभी भी आपका निकलेगा नहीं। क्या होता है, अक्सर काफ़ी लोग जो है, जितना हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है इतने में ही कट पलटने की कोशिश करते हैं, और जब कैंची से कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ धागे अक्सर निकल जाते हैं। दोस्तों जो तरीका ये आपको बता रहा हूँ, इसमें कभी भी आपके धागे नहीं निकलेंगे, मैं इसी तरीके से अपनी बुटीक पे बना के देता हूँ पीस। जब आपने कट कर लिया, या तो अगर आपका कपड़ा ऐसा है तो आप पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं इस कपड़े में, नहीं तो आप कॉटन में नॉर्मल भी हाथ चला सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से एक बराबर की आपको पट्टी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से भी सेम, और यहाँ से भी सेम आपको पट्टी कटिंग दोस्तों करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद ये वाली जो साइड होती है आपको पहले ऐसे फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इक्वल नीचे तक लाएंगे सिलाई मारते हुए। और नीचे लाने के बाद इधर वाले हिस्से को भी, नीचे वाले को ऐसे ही पलट लें इक्वल, यहाँ पर भी सिलाई लगा लें। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे। अब आपका ये वाला हिस्सा बचेगा दोस्तों, यहाँ पर इसे ऐसे फोल्ड करके इसे भी इक्वल ऐसे पलट लेंगे और सिलाई लगाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर दोस्तों सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। जब आप सिलाई लगाते ऊपर उतार लेंगे, तो दोस्तों सिलाई उतारने के बाद आप देखेंगे और जायज़ा लेंगे तो आपकी इस तरीके से देखिए फिनिशिंग हो जाती है साइडों में। अब ये हिस्सा जो आपका बचेगा आप इसको ऐसे पलटेंगे, देखिए मार्जिन सारा हमारा इधर ही है, इसको ऐसे पलटना है और यहाँ पर लगानी सिलाई, किनारे पे लगाएंगे बिल्कुल सिलाई, ये आपको मैं सिलाई दिखाऊंगा। और इसको ऐसे सिलाई लगाते हुए नीचे आएंगे, और जहाँ पे आपका कट था दोस्तों इस कट के किनारे तक आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। कट पे लगाने के बाद इसको ऐसे घुमाएं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। ऐसे घुमाने के बाद आपका इधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे, और यहाँ भी सारा मार्जिन आपका इसी तरफ होगा पट्टी की तरफ, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों ये प्रोसेस करने का फ़ायदा क्या होता है, जब आप इसे ऐसे कर लेंगे फिर हम बड़ी सिलाई कर लेंगे, तो ये ना आपका कभी भी धागा नहीं निकलेगा। अब हम इसे सिंपल इसको इस तरीके से करके ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे एक बराबर, या तो आप प्रेस से बिठा लें या फिर हल्के उससे कच्चा करेंगे। मैं यहाँ पे देखिए कच्चा करता हूँ,
इस तरीके से। और ये जो साइड है हमारी ये थोड़ी दिक्कत देती है, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल बैठ जाएगी। तो इसे ऐसे करके हम सिलाई लगाते हुए नीचे आएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर इधर वाली साइड को भी ऐसे घुमा के इधर भी सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के दोस्तों ऊपर सिलाई निकाल के ख़त्म करेंगे। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद देख सकते हैं हम कि हमारे यहाँ पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोस्तों इस तरीके से पलट चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपका धागा भी कभी नहीं निकलेगा और ये पलट चुकी है। अब जो ऊपर का हिस्सा बचा है दोस्तों आपको सिर्फ ऐसे मिलाना है पकड़ के, और मिलाने के बाद इसका आले को जब ऐसे पकड़ेंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लें। दोस्तों ये कट जो आपको मैंने बताया है ना, ये गले का ही नहीं है, किसी किसी को बड़ी बाजू में यहाँ पर भी कट पलटना होता है तो भी ये तरीका आपके काम आएगा। मान लो किसी को नीचे सेंटर में कट करना है तो भी आपका ये तरीका काम आएगा। और इसका एक फ़ायदा और है, ये तो आप तुरपाई कर लेंगे गले में, आपका गला बन गया सेंटर कट वाला, कॉलर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को इसके ऊपर पट्टी लगानी दोस्तों, तो अंदर की तरफ जो हमने कच्चा करा है देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा कच्चा है ये, आप यहाँ पर पक्की सिलाई मार लो और उसके बाद कोई भी लेस या पट्टी आप यहाँ पर ईजी लगा सकते हो। ये लगाने के बाद आपका गला जो है डिजाइन का डिजाइन हो जाएगा, उसका कॉलर चढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है, अगर आपका हाथ कपड़े में नहीं चलता आप पेपर पेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आके और आपको अच्छी तरीके से सिखाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।